फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। आज मैं बनाने वाली हूं पनीर की बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी लगने वाली सब्जी, ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए और आप भी घर में से ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 250 ग्राम पनीर कट करके ले लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेट को आधा घंटा के लिए कवर करके हम रख देंगे। जब तक हमारा पनीर मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है, तब तक मैंने एक बड़ी सी अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है और मैंने 2 छोटे टमाटर को ग्रेट कर लिया है और अदरक और लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 छोटी छोटी सी कैप्सिकम भी मैंने क्यूब में कट कर ली है। गैस मैंने ऑन कर दी है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब तेल डाल देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देते हैं। तेल हमारा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, पिंच ऑफ हींग डाल देते हैं, सरसों डाल देते हैं। अब इसमें फाइनली चॉप अनियन डाल देते हैं और अब इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हम अच्छे से पका लेते हैं और अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 1 चम्मच। अच्छे से इसको ट्रांसपेरेंट होने तक चला देते हैं। अब हम इसमें हमारे ग्रेटेड टमाटर डाल देते हैं और अब अच्छे से चला देते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकने देते हैं। अब हम इसमें कैप्सिकम डाल देते हैं। और इसको अच्छे से पकने देते हैं। इसमें 1/2 कप के करीब हम पानी डाल देते हैं। और इसे करीब 5 मिनट के लिए कवर करके हम पकने देते हैं। मिनट के लिए और पकने देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब इस स्टेज में हम मैरिनेटेड पनीर डाल देते हैं इसमें और अब इसे अच्छे से चला देते हैं और इसको थोड़ी देर खोल के ऐसे ही पकने देते हैं। ये देखिए हमारी पनीर की सब्जी कितनी अच्छे से पक चुकी है और अब इस स्टेज में हम कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।
लीजिए, हमारे गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल पनीर मसाला एकदम रेडी है। आप भी इसे घर में ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।